हम लोग बड़े भाई संतोष यादव जी जो सह कोऑर्डिनेटर है इस मंडल की, हम लोग बड़े भाई दलित संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गौड़ जी जोरदार ताली बजाते हैं। हम लोग बड़े भाई प्रदेश के हम लोग नेता बहुत ही वरिष्ठ नेता बड़े बाबू टीटी सिंह जी जोरदार ताली बजाते हैं। हम लोग के दार्शनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष छोटेलाल बनारसी जी, हम लोग पार्टी के जिस किसान जो हम लोग यहाँ के हम लोगों की बड़ी बहन और पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला मंत्री उमरावती देवी जी एक बार सबके नाम पर जोरदार ताली बजाते हैं। तो भाई सबको बारी बारी से पहले अपना परिचय बताना, अब परिचय के बाद काम जो मिला था आपको कितना प्रगति हुई उस विषय में आपको बताना है। विधानसभा की बैठक कितने जगह आपने करवाया, कितने पदाधिकारियों का विधानसभा में बनाया आपने, जिले का महिला मंच का कोई नहीं, इनको जिले का प्रभारी नियुक्त किया जाता है, जोरदार ताली बजाते हैं। ये शारदा देवी नगरा निगवट प्रकल्पी है चंदौली, इनको प्रमुख महासचिव महिला मंच जोरदार ताली बजाते हैं। ये हरी राम राजभर पहलवान पिंडरा कौन मतलब देखिए भाई, ये रख ले रहा हमारे ब्लॉक पिंडरा जहाँ से हम आते हैं, तो ब्लॉक बदल दिए रसोड़ा कर दिए। आज ये पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। ये भाई बनारस जिला अध्यक्ष खड़ा हुई है, आपके मीडिया प्रभारी कोई है? कौन है? मीडिया प्रभारी आते नहीं है, अमीर बोलता है क्या कर अमीर ये अमीर राकेश अमीर राजीवपुर कमांडर जिला सेना के कमांडर आनंद आनंद का तो हो गया चंदौली, चंद्रमा राजभर बिघवट बड़ा गांव सकलडी है जौनपुर चंदौली मुख्य कमेटी मंडल मंडल उपाध्यक्ष जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। संजय अधिवक्ता जी भैया आपका पता तो दे दीजिए, वकील साहब वकील साहब का नंबर बस डॉक्टर बसंत पढ़ा जी सर जौनपुर जिला महासचिव के पद पे मैं था और जिला उपाध्यक्ष पे मैं प्रमोशन चाहता है। कहाँ गए भाई जिला, चलिए आज आपका प्रमोशन स्वीकार है,
जी सर आइए लीजिए, अमित जी आगे आइए। जिन्होंने गीत गा के पैसा इकट्ठा करके पार्टी को चलाया है, गीत गा के, ये गाना इतना तगड़ा गाते थे कि लोग अपने से जेबा से निकालते थे। वो इनका गाना हमको याद है, दुल्हा 80 दुल्हिन 40। बड़ी रुपया कमाए और खूब पार्टी में लगाए। ये बात बताई गई कि जो नेता अपने जिले से, अपने ब्लॉक से, अपने विधानसभा से बाहर जाना चाहें, प्रदेश से बाहर जाना चाहें, तो सबके लिए दरवाजा खुला है। जो भी स्वेच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाएंगे भाषण देने, अगर झांसी में, खाली सूचना वहां चली जाएगी कि झांसी में चंदन राजभर आ रहे हैं, तो नहीं ज्यादा कुछ तब भी 100 आदमी चंदन को सुनने के लिए आ जाएंगे। उस वीरान की बात बता रहा हूं, जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, झांसी मंडल। आप जाएंगे अगर सहारनपुर, बागपत, शामली, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, कोई भी नेता हमको बता दे कि हम वहां भाषण देने जाना चाहते हैं, आपको 200, 500, 1000 वहां मिल जाएंगे। बड़े नेता भी बनेंगे, माला भी पहनाएंगे, नारा भी लगाएंगे। आप यहां से ट्रेन से जाएंगे तो वहां कम से कम 10 गाड़ी से आपको रिसीव करके ले जाएंगे। ये ताकत भारतीय समाज पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार में जाने के बाद बना लिया है। तो भैया बहाल हैं, अब ऊपर जाना चाहें तो फिर इनके लिए ताली बजाइए।